श्रावण सोमवार की बात कर रहे हैं। आप थोड़ा चौंकेंगे कि अभी तो श्रावण की शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन आपको हम बता दें, महाराष्ट्र के अलावा उत्तर भारत में श्रावण की शुरुआत हो चुकी है। वहीं नवी मुंबई तथा रायगढ़ ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र में उत्तर भारतीय बसे हुए हैं, जो श्रावण उत्तर भारत के तर्ज पर ही मनाते हैं। 15 दिन पहले उत्तर भारतीयों की श्रावण की शुरुआत हो जाती है। तो देखते हैं भगवान शिव की श्रावण में ही क्यों ज्यादा पूजा अर्चना की जाती है। बताया जाता है कि माता पार्वती ने भी भगवान शिव की श्रावण महीने में ही पूजा अर्चना की थी, जिस पर भोलेनाथ प्रसन्न हो गए थे। आज भी सोमवार है और खास श्रावण का। इस उपलक्ष्य में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए दुग्ध अभिषेक किया जाता है। इसी विषय पर जब पंडितों से बात की गई, तब उनका कहना था कि श्रावण में पूजा अर्चना करने पर भगवान क्यों प्रसन्न होते हैं। सर ऐसा है, देखिए ये सोमवार शिव जी का दिन है जी, और शिव जी के दिन के वजह से आदमी लोग श्रद्धालु जो भक्त हैं तो यही मानते हैं कि सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा ही करें, और शिव की सोमवार के दिन पूजा करने से मनोकामना की प्राप्ति अच्छी होती है, ये भाव श्रद्धालुओं की रहती है। जब सोमवार कोई व्रत करता है जी, तो युवतियों की मनोकामना पूर्ण होती है। जो जिस मनोकामना को लेकर सोमवार का व्रत करता है उसकी अवश्य मनोकामना प्राप्ति होती है, श्रद्धा होना चाहिए उस तरह की। तो सोमवार के दिन को शिव जी के लिए वो लोग ज़्यादा श्रद्धा भक्ति रखती हैं कि शिव जी की पूजन हम सोमवार को करेंगे, 16 सोमवार का व्रत करेंगे तो हम। वही भगवान शिव की पूजा अर्चना कर निकली युवती से हमारे प्रतिनिधि ने बात की। क्योंकि भगवान पार्वती जी ने श्रावण में ही अपने 16 सोमवार का व्रत चालू किया था, इसकी वजह से भी श्रावण ज्यादा मायने रखता है। हम यही कहना चाहेंगे, परमात्मा समय समय पर अपने होने की झलक तक इंसानों को देते आए हैं, लेकिन आदमी अपने आकांक्षा वासना लालच में सब कुछ भुला बैठा है। लेकिन ये झलकिया है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। गौर से देखे, कहीं इशारा तो नहीं परमात्मा का? कुछ दृश्य आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं। श्रावण सोमवार पर गोपाल शाह की स्पेशल रिपोर्ट।